पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। वो यहां हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच उनके बेटे ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश के सीएम उनके खिलाफ झूठे मामले डाल रहे हैं। फुकरे 3 को बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। गांधी जयंती के मौके पर फिल्म ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार किया। अमेरिका के नॉर्थ डेकोटा राज्य से रिपब्लिकन पार्टी के सांसद डग लार्सन, उनकी पत्नी और दो बच्चों की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। रिपब्लिकन पार्टी के नेता डेविड हॉग ने इसकी जानकारी दी। यशस्वी जसवाल ने एशियन गेम्स 2023 में नेपाल के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की और कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। शतक लगाने के साथ ही उन्होंने सूर्य कुमार यादव के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली।